एमपी में चुनाव प्रचार अब अंतिम दौर पर है। चुनाव के फाइनल स्टेज में बीजेपी की रणनीति में बदलाव दिख रहा है। चुनाव की शुरुआत में पीएम नरेंद्र मोदी शिवराज सिंह चौहान की फ्लैगशिप योजना का नाम लेने से बचते थे। चुनाव प्रचार के लास्ट स्टेज में शिवराज सिंह की वही योजना बीजेपी नेताओं के लिए सबसे बड़ा अस्त्र बन गया है। पीएम नरेंद्र मोदी से लेकर केंद्रीय मंत्री तक अब लाडली बहन योजना का जिक्र करने लगे हैं। बीजेपी ने केंद्र के 9 साल की विकास गाथाओं और मध्य प्रदेश की विभिन्न योजनाओं की सफलता को लेकर चुनाव अभियान की शुरुआत की थी। अब देखने में आ रहा है कि इलेक्शन के आखिरी दौर में ट्रम्प कार्ड लाडली बहन योजना को पुरजोर तरीके से सामने रखा जा रहा है। ग्रामीण इलाकों में भी इस योजना के शॉर्ट एंड स्वीट प्रचार पर फोकस किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा सरमा या फिर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, सभी इस योजना का गुणगान कर रहे हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया और कैलाश विजयवर्गीय भी अपने भाषणों में लाडली बहना योजना का नाम लेना नहीं भूलते। मुख्यमंत्री तो बाकायदा 1.31 करोड़ लाभान्वित बहनों से रिटर्न गिफ्ट मांग रहे हैं। उन्होंने कहा है ये संख्या शीघ्र ही 1.5 करोड़ तक हो जाएगी और हर महीने मिलने वाली रकम भी धीरे धीरे 3,000 रुपए होगी। इंतजाम करते करते 1,250 से 1,500 1,750 और ये रेट नहीं है। आज ही आबादी को भूला नहीं है, या स्त्री जाति का इस धरती के संसाधनों की कोई हक नहीं, क्या उनकी छोटी छोटी जरूरतें पूरी करने के लिए वो अपने हाथ फैलाती रहे, क्या वो दूसरों पर अवलंबित रहे। इसमें कोई शक नहीं कि मुख्यमंत्री बनने के पूर्व कन्याओं का सामूहिक विवाह के बड़े आयोजन करने वाले शिवराज सिंह चौहान को बच्चियों और महिलाओं के लिए बेहद संवेदना रही है। लाडली लक्ष्मी से लेकर उनकी अन्य योजनाएं उनकी स्वयं की लोकप्रियता और पार्टी के लिए गेम चेंजर रही है। यहां तक कि दूसरे प्रदेशों ने भी शिवराज सिंह चौहान की योजनाओं को अपनाया। बीजेपी एक और तो ये वादा कर रही है कि लाडली बहना योजना के तहत हर महीने मिलने वाली राशि को बढ़ाकर 3,000 रुपए किया जाएगा। दूसरी ओर ये बताना भी नहीं भूलती कि अगर कांग्रेस की सरकार आ गई तो ये योजना बंद हो जाएगी। अब इस भय को दिखाकर भी प्रीत रूपी वोट पाने की कोशिश हो रही है। किसने दिया आपको? ₹1,250 मतलब साल में 15,000। और बिन्नो भाई याद रखना, अगर वो जोड़ी की सरकार आई ना कांग्रेस की, आपका 1,250। सत्तारूढ़ पार्टी को लाडली बहना योजना के जरिए अपने वोट बढ़ने का भरोसा है। लाडली बहन योजना की 6 किश्तें महिलाओं के खाते में डाली जा चुकी हैं। राजनीतिक विश्लेषक भी इसे गेम चेंजर मान रहे हैं। इसका कारण ये है कि प्रदेश में करीब 48% वोटर्स महिला हैं। कांग्रेस भी महिला वोटों के महत्व को समझती है। लाडली बहना योजना लॉन्च होने के बाद कांग्रेस ने इसके जवाब में नारी सम्मान योजना लॉन्च करने का ऐलान किया था। कमलनाथ ने अब कहा है कि चुनाव के बाद कांग्रेस की सरकार बनी तो सबसे पहले इसी योजना की शुरुआत की जाएगी। बहरहाल बीजेपी की बदली रणनीति शिवराज सिंह चौहान के लिए भी एक अच्छी खबर है। अब तक उन्हें पार्टी में साइडलाइन किए जाने के कयास लग रहे थे, लेकिन बदले माहौल में बीजेपी के लिए शिवराज की ये योजना ट्रम्प कार्ड साबित हो सकती है। चुनाव आज तक।